नागपुर में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले मैच को देखते हुए बारिश के कयास भी लगाए जा रहे हैं। मौसम विशेषज्ञों की माने तो कम दबाव का क्षेत्र होने से पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना बन रही है, जिससे 23 तारीख को नागपुर में हैवी रेन तो नहीं होगा लेकिन बदली और हल्की बारिश होने की पूरी संभावना है। अभी एक कम दबाव का क्षेत्र छत्तीसगढ़ के आसपास में है, उड़ीसा छत्तीसगढ़ के आसपास, और वो आगे बढ़ रहा है और वो पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर में 23 तारीख को स्थित रहेगा। तो उसके असर से जो है नागपुर और उसके आसपास में दिन भर बदली रहेगी और हल्की बारिश हो सकती है। हैवी रेनफॉल की भी चांसेस अभी काफ़ी कम है क्योंकि सिस्टम थोड़ा आगे निकल रहा है, लेकिन बारिश की संभावना रहेगी। तो 23 तारीख को बदली और बारिश वाला मौसम रहेगा, 24 से मौसम खुलेगा। मैच के समय, शाम के समय, चूंकि ये मैच है तो शाम के समय थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी भी होती है और मॉडल्स भी दिखा रहे हैं कि शाम के समय में लाइट टू मॉडरेट रेन होने की पॉसिबिलिटी है। तो बारिश होगी लेकिन बहुत हैवी रेन की पॉसिबिलिटी नहीं है, शावर्स या लाइट रेन की पॉसिबिलिटी रहेगी मैच के आसपास। अभी जो कम दबाव का क्षेत्र है उससे आज और कल दो दिन विदर्भ में भारी बारिश की संभावना है कहीं कहीं पे। नागपुर ज़िले में भी आज और कल दो दिन का जो है, मतलब 21 और 22 को येलो अलर्ट दिया गया है। 23 से थोड़ी बारिश कम हो जाएगी, लाइट से मॉडरेट रेन रहेगा। 24 के बाद में बारिश जो है काफ़ी कम हो जाएगी और कुछ स्थानों पे हल्की बारिश रहेगी 24-25 को। लेकिन नॉर्मली जब सिस्टम से बारिश होती है तो वो दिन में कभी भी हो सकती है, और सिस्टम अगर एक्टिव है तो पूरा दिन भर भी बारिश हो सकती है। लेकिन चूंकि सिस्टम उस समय हमें ये लग रहा है कि थोड़ा सा आगे निकल जाएगा, तो पॉसिबिलिटी ये रहेगी कि बारिश जो है मॉडल्स के हिसाब से दोपहर के बाद में होने की संभावना ज़्यादा रहेगी, शाम के समय बारिश की संभावना ज़्यादा है। मॉडल्स तो दिखा रहे हैं कि लाइट रेन हो सकती है शाम को 5:30 से लेके 11:30 के बीच में, मतलब शाम के समय थोड़े से जो हमारे जो ECMWF मॉडल्स है उसमें वो दिखा रहा है कि लाइट टू मॉडरेट रेन की पॉसिबिलिटी रहेगी। उसके बाद में 8:30-9:30 के बाद में थोड़ा सा मौसम खुलता हुआ उसमें दिख रहा है।